हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है मींस ऐसे बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था अपूर्ण सहलग्नता, ये इसका दूसरा स्टेप है। पूर्ण सहलग्नता इसको बोलते हैं हिंदी में मींस क्या बोलेंगे, पूर्ण सहलग्नता बोलेंगे, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्प्लीट लिंकेज। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था इनकम्प्लीट लिंकेज, आज आपका टॉपिक है कम्प्लीट लिंकेज। तो इसमें देखते हैं क्या इस प्रकार की सहलग्नता पर ड्रोसोफिला में पाई जाती है। इस प्रकार की जो सहलग्नता है वो किसमें पाई जाती है, ड्रोसोफिला में पाई जाएगी। तो जब एक गुणसूत्र पर स्थित सहलग्न जीन अर्सूत्र विभाजन के समय अलग नहीं होते तथा इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही लक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्ण सहलग्नता बोलते हैं, मीन्स कम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है क्या है यहाँ पे, कि जो कैपिटल बी है इसका नाम है दूसर शरीर, और जो स्मॉल बी है इसका नाम अवशेषी पंख। इसमें जो स्मॉल बी है इसका नाम है काला शरीर यानी ब्लैक बॉडी, और जो कैपिटल बी है इसका नाम है लंबे पंख, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, और दोनों क्या ये पेरेंट्स हैं, दोनों में क्रॉस कराना है। ये दो दिए ना गुणसूत्र, दो में से एक ले लिया और इसको भी दो में से एक ले लिया, ठीक है। अब इसको वाले का इससे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो एक तो जी आ जाएगा सेम और एक ही आ जाएगा। इसमें नाम कैसे लिखेंगे, जो कैपिटल बी है इसका नाम क्या है, दूसर शरीर, और जो कैपिटल बी इसका नाम है लंबे पंख, जो बड़ा होता है उसका पहले नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्रॉस करने के लिए क्या लेना, सेम यही पार्ट ले लेंगे। तो जब यही पार्ट हम लेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें डबल कैपिटल भी दिया है, लेकिन इसमें अब क्या दिया, डबल स्मॉल भी दिया। तो इसमें भी कहाँ से आ गया, स्मॉल भी जो यहाँ से आ गया, मान लीजिए इस ई वाला जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाला जो गुणसूत्र है इस प्रकार हमने जब बना लिया, ये इसमें ऊपर क्या दिया, इसमें कैपिटल भी दिया, यहाँ पर स्मॉल भी दिया। अब यहाँ पर जो क्या दिया, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया स्मॉल भी और कैपिटल भी। तो इसका जो आप देख रहे हैं इसको अगर डिवाइड कर लिया जाए तो इसमें क्रॉस ओवर हो गई, इस प्रकार के क्यों हो गई, क्रॉस ओवर हो गई। तो इसका जो स्मॉल बी है यहाँ पहुँच गया, और इसका जो कैपिटल बी वो यहाँ पहुँच गया। इस प्रकार से इन दोनों में जो कैपिटल बी थे वो चेंज हो गए, तो स्मॉल बी इसमें आ गए। जिस प्रकार से क्या हो गया, इसमें देखो स्मॉल बी आ गए, दोनों में आ गए कि नहीं आ गए। तो इस प्रकार से ये काला शरीर इसका नाम हो जाएगा, और अवशेष पंख इसका, तो ये अवशेष पंख यहाँ थे, यहाँ पर पहुँच गए। अब दोनों का क्या कराना है, दोनों का क्रॉस कराना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस वाले का क्रॉस इससे करा दिया, तो एक जी आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, आ गया। अब इस वाले का क्रॉस कैसे करें, इस वाले का लास्ट वाले क्रॉस कराएंगे, तो एक तो ये आ गया और एक ये आ जाएगा। अब दोनों में नाम लिख देंगे, दूसरा शरीर किसका नाम है, इसका नाम है। अब इसमें क्या है, स्मॉल भी दिया, इसका नाम अवशेष पंख है। इसमें क्या दिया, स्मॉल बी है, काला शरीर है, और जो कैपिटल भी दिया इसका लंबे पंख है। इस प्रकार से ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता इस प्रकार से होती है। ये आपकी F1 पीढ़ी, ये आपकी F2 पीढ़ी है, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू, धन्यवाद।